नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। और आपको बता दें कि इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष में जहां सदन के बाहर काफी ज्यादा टकराव देखने को मिला गारंटियों को लेकर, वहीं सदन के भीतर कार्यवाही काफी आप कह सकते हैं कि सुचारू चली सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। और साथ ही इस वक्त हम आपको खूबसूरत नजारा भी दिखाएंगे, क्योंकि 5 दिन का ये सत्र था और विधानसभा को बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजाया गया था। तो वो शाम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता देते हैं। देखिए, 19 तारीख को विधानसभा का ये शीत सत्र शुरू हुआ था। 5 बैठकें हुई, 33 घंटे जो है वो सदन की कार्यवाही यहाँ पर इन 5 दिनों में चली है। और इस दौरान पहले दिन अगर हम बात करें तो विधानसभा को उपाध्यक्ष, जो एक लंबा इंतज़ार कहीं ना कहीं किया जा रहा था, वो इंतज़ार ख़त्म हुआ विधानसभा उपाध्यक्ष का। और उपाध्यक्ष यहां पर विनय कुमार को सर्वसम्मति से चुना गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नियम 61 के अंतर्गत चार विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अलावा अगर हम नियम 62 की बात करें तो उसके तहत 5 विषयों पर और नियम 63 के तहत 1 विषय पर सार्थक चर्चा विधानसभा में हुई इन 5 दिनों में। अगर बात करें 101 के अंतर्गत 5 नियम, 102 के अंतर्गत 2 और नियम 130 के अंतर्गत 7, जबकि नियम 324 के अंतर्गत 7 विषयों पर यहाँ पर सार्थक चर्चा हुई। इस बार जो विधानसभा देखिए तपी है, तपोवन अगर तपा है तो हम आपको बता दें कि बेरोजगारी, कांग्रेस की गारंटियां और ये कुछ एक मुद्दे थे जो काफ़ी ज़्यादा शुरू पहले दिन से लेके अंतिम दिन तक जिन पर जो है कहीं ना कहीं गतिरोध देखने को मिला। पहले दिन आपको याद होगा, अगर हम विपक्ष की बात करें तो 10 गारंटियों के फ्लैग्स पहन के आता है। दूसरे दिन विपक्ष जो है गोबर लेकर विधानसभा पहुँचता है और तीसरे दिन दूध बेचने आता है, जबकि चौथे दिन की बात करें तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था। और अगर आज की भी हम बात करें तो आज भी सदन के भीतर बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से गूंजा, आउटसोर्स का मुद्दा जोर शोर से गूंजा और नशे का मुद्दा देखिए अगर हम बात करें तो नशे को लेकर भी एक सार्थक चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि नशे को लेकर तमाम जो विधायक सदन के भीतर थे वो जब चर्चा नशे पर हो रही थी तो दोनों ने उस चर्चा में भाग लिया और साफ यही कहा कि ये एक बड़ा मसला है जिस पर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो उन्हें एकजुट होकर काम करना होगा। इसके अलावा बेरोजगारी और आउटसोर्स का मसला जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं वो खूब गूंजा विधानसभा में। बेरोजगारी की बात करें देखिए, क्योंकि राज्य चयन आयोग की बात करें तो हालांकि उसे बना दिया गया है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज भी सदन के भीतर यही बात कही कि बहुत जल्द पायलट आधार पर वहां पर जो है अब जो ऑपरेशन थिएटर की जो वैकेंसी है लगभग 150 के करीब करीब जो पद है वो पायलट आधार पर वहाँ पर भरे जाने हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो आउटसोर्स का मसला है वो भी जोर शोर से गूंजा है। हालांकि जो कोविड वॉरियर्स थे जो लगातार पिछले 5 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने साफ तौर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यही कहा कि देखिए कोई नीति नहीं बनाई गई थी, जयराम सरकार ने उन्हें बिना नीति के रख लिया था। अब यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है, कानून पहलुओं को देखा जा रहा है, कानूनी तमाम पहलुओं को, और उन्हीं के आधार पर फिर आने वाले समय में कोई भी भर्ती स्वास्थ्य महकमे में होती है तो जितने भी कोविड वॉरियर्स थे जिन्होंने कोरोना के समय में सेवाएं दी हैं उन्हें उस तरह से लाभ दिया जाएगा, उन्हें वहां पर प्रायोरिटी आप कह सकते हैं कि नियम कायदे कानून के दायरे में रहकर दी जाएगी। तो कुछ ये तमाम चीजें जो हैं वो विधानसभा में इन 5 दिनों में हुई है। विधानसभा की कार्यवाही से आप कितना संतुष्ट हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मुझे दें इजाजत, नमस्कार।